कहाँ से आप अंकल? अमृतसर है। अमृतसर इंडिया? इंडिया से हो तो यहाँ क्या करते हो? उम्र पे आया, पैसा खत्म हो गया। अरे तो भाई, और कोई जानने वाला नहीं है? किसने बुलाया था आपको? जो आया था वो चला गया पास में। मदद करूँ अगर आपके पास में एससी का कार्ड है तो एससी का कार्ड मैं पैक कर देता। आमीन आमीन अंकल दुआ। लेकिन गर्मी में, इतनी गर्मी में कैसे परेशान हूँ तो भाई, कितने मुश्किल में यहाँ से रोड पार करना पड़ रहा है। इस जगह से वहाँ गया, वहाँ से उधर गया, और इधर से मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। देखो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये ब्लॉग जो है इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यार अभी मैं आ रहा था ना तारिक अनस पे, तो किसी को ड्रॉप करने के लिए, तो तारिक अनस पे जो इशारे पे मैंने देखा कि एक बड़े मियाँ, आई थिंक वो इंडियन या बांग्लादेशी मेरे को लग रहे थे, तो मैंने उनको देखा इतनी गर्मी के अंदर, और वो भी इशारे पे, वो जो कुबरी बोलते हैं जैसे कि ऊपर जो पुल होता है उसके नीचे बैठे हुए थे। सऊदी अरब का अंदर एक कल्चर है तो कोई भी बंदा ऐसे किसी इशारे पे, किसी रोड पे नहीं बैठ सकता, बैठता ही नहीं है, कोई मांगने वाला भी नहीं बैठता। और टाइम हो रहा है देखो भाई 2:27, यानी कि दोपहर के 2:27 पे वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा ही, मेरे को अजीब फील हुआ यार, मैंने कहा ये कौन है, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं बैठता यहाँ पर। और इनकी एज भी काफी, कम से कम 60 से 70 के बीच में एज है, आई थिंक 70 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 65 से कम नहीं होगी। तो अभी चलते हैं उनको और उनको देखते हैं, हो सकता है वहां पर बैठे हों, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करूँ, कोई अगर उनको जरूरत है या उनको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है किसी साथ की, किसी चीज की हाजात है, तो वो समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यार ऐसा अमूमन यहाँ पर कभी नहीं देखा जाता कि कोई आदमी रोड पर गर्मी में बैठा और ऐसे हालत में कि उनको देख के लग रहा, और वो बैठ के शायद या पानी पी रहे थे, ऐसा कुछ मुझे लगा। निकल गया हूँ तो उनको ड्रॉप करने के लिए आया था, एक मैडम थी, तो मैं निकल के जा रहा हूँ, और अभी जाके देखते हैं, हो सकता है वो मिल जाए, और अगर वहाँ बैठे हुए तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है। अल्लाह ना करे कि कोई परेशानी में हो, लेकिन देख करके अजीब जरूर लगा मुझे। तो चलते हैं उनके पास। गर्मी की हालत आप देख सकते हो यार, कैसी चलकती धूप हो रही है और कैसी गर्मी है। हालांकि गर्मी का जो मौसम है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, गर्मी डाउन हुई है, ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी इतनी है कि आदमी बाहर बैठ के यार पसीने तो जरूर आएंगे भाई। बस ये सामने इशारा है, यहाँ से 200 मीटर वहीं पे है, देखते हैं हो सकता मिल जाए ना मिले। ये सामने इशारा है, यहाँ बैठे थे, पता नहीं अब है नहीं है यार, बड़ा मसला है भाई। मुझे तो लग नहीं रहे, पॉलीथीन तो पड़ी है उनकी, उतर के देखूं क्या पर थे। मैं इससे एक बंदा है यहाँ पर, उससे मैं बात करता हूँ कि वो अंकल कहाँ गए, देखता हूँ मैं भाई। एक बंदा है ये जो माजूर है, कुछ बेच रहा है इशारे पे, मैं इससे मुलाकात करता हूँ कि वो बंदे कहाँ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम यार, यहाँ पर ना, यहाँ पर एक अंकल बैठे थे अभी, अंकल बैठे थे यहाँ पर, वो कहाँ रहते हैं? वो यहाँ बैठे थे, खाना खा रहे थे, पता नहीं कुछ कर रहे थे, तो कहाँ है वो? वो वहाँ चले गए। किधर? वो उधर सिंगला पे। क्या करना है वो? वो है देखो भाई, ये खाना उनका रखा था देखो, और ये रोटी रखी है, और ये देखो रखा है सारा, देखो चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, दो रोटी रखी है, और ये पानी और सिगरेट, और ये अपन भाई सिग्नल के उस बारे उस टाइड में वो खड़े हैं, उस साइड में खड़े हैं, और यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब कैसे निकलूँ मैं? कोशिश कर रहा हूँ उनके पास जाने की, लेकिन कैसे जाऊँ यार? लोग उस वाले इशारे पे वो हैं, अच्छा है, देखो वो हैं, दिख रहा है इस वाले इशारे पे हैं भाई। अरे इतनी दिक्कत हो गई दो, ये गाड़ियाँ जो ट्रैफिक में रुकी हुई है, वो अंकल इधर ही कहीं हैं, वो अंकल जो है इधर ही कहीं हैं, और मुझे दिख नहीं रहे, वो है उधर अंकल भाई। उनकी सूरत आए नहीं आए फैस, बट कोशिश करेंगे भाई। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी, उनका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इशारा खुलेगा, ये लाइट खुलेगी तो गाड़ी, तो वो आएंगे अंकल देखो। अब वो अंकल उधर हैं साइड में, उनसे उधर बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं आपको उधर देख रहा था, आप खाना खा रहे थे शायद वहाँ पर, तो मैं उधर से गया, तो फिर मैं वापस आया वहाँ से मैडम को छोड़ने के बाद, तो मैंने आपको देखा, तो मैंने कहा फिर उससे, वो एक लड़का जो बेच रहा ना वो फाइन, तो माजूर जो है
तो मैंने कहा अंकल किधर है, कहना पता ही नहीं। मैंने कहा यार मैंने उनको देखा था, मैं उनसे थोड़ी बात करना चाह रहा था अंकल से। कहाँ से आप अंकल? अमृतसर है। अमृतसर इंडिया? इंडिया से हो तो यहाँ क्या करते हो? उम्र पे आया, पैसा खत्म हो गया। अरे तो भाई और कोई जानने वाला नहीं है? किसने बुलाया था आपको? जो आया था वो चला गया बस। अरे अब तुम्हारे पास एसटीसी पे है? एसटीसी पे अकाउंट पैसे जैसे अगर तुम्हें आपको देने तो एसटीसी पे यहाँ पर होता है, है? वो बात तो सही है। नहीं अब आदमी के पास कैश नहीं रहता ना, यहाँ पर कार्ड रहता है, तो कार्ड से पैसे आपको कैसे पे करेंगे, कैसे देंगे? इधर ही बाबे को दे देना। इधर ही रहते हो? सोते किधर रात को? रात को किधर सोते हो? अच्छा इंडिया के हो ना? इंडिया के किस जगह के? कौन स्टेट? कौन सा स्टेट? पंजाब, यूपी? पंजाब से? अमृतसर से। अरे तो अंकल मेरे पास में कैश नहीं है इस टाइम बिल्कुल भी। ये जो पैसे हैं थोड़े बहुत ये रख लो, मेरे पास में वो नहीं है। दुआ करना देखा कि आपको मदद करूं। अगर आपके पास में एससी से कार्ड है तो एससी से कार्ड में पैक कर देता। आमीन आमीन अंकल दुआ। लेकिन गर्मी में, इतनी गर्मी में कैसे परेशान? तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर कुछ है जैसे आपसे मुलाकात करी जाए कैसा होगा? फोन नंबर? चलो आपके अल्लाह मदद करेगा, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है ठीक है। तो गर्मी में अंकल बैठ जाओ, शाम को कर जाओ, शाम को आप गर्मी में बैठ जाओ, गर्मी में बैठ जाओ, गर्मी बहुत है, ठीक है? आप दुआ करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कितने मुश्किल में यहाँ से रोड पार करना पड़ रहा है, इस जगह से वहाँ गया, वहाँ से उधर गया, और इधर से मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। देखो मेरी गाड़ी जो खड़ी है इधर खड़ी है, और यहाँ पर भाई रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। और ये रोड कोई ऐसा नहीं है कि महल्ले का गली हो, ये हाईवे है। ओ भाई साहब मोबाइल इतना गर्म हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और इन अंकल सर मुलाकात हो गई पहले की, यहाँ पर बैठे थे, आपको जाने में दिखाया, यहाँ पर पानी पड़ा था, रोटी रखी थी। और अंकल अमृतसर के हैं, ये अमृतसर के हैं, इनकी एज कम से कम 70 से प्लस हो सकती है। अब बता ये रहे हैं कि उम्रा करने के लिए आया था मैं और पैसे खत्म हो गए, तो मेरी बात समझ में तो खैर नहीं आ रही। उम्रा करने के लिए मक्का में आदमी रहता है, यहाँ क्या करने आयो? दूसरी बात चलो बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनकी आसानी मुश्किल आसान करे। पैसे मैंने पूछे, मैंने कहा अगर आपको आप पे करें, क्योंकि कैश रहता नहीं है तो पे करने के लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर उनके पास नहीं था, बट वो ये कह रहे थे मैं इधर ही मिलूंगा, तो मैंने 2-3 दिन में आपसे मुलाकात करूँ इंशाल्लाह। तो यार बहुत मुश्किल है यार, उम्रा करने के लिए आया ये कर रहे हैं इतनी गर्मी में, मुझसे नहीं रुका जा रहा, उनकी कमर झुक रही है बेचारों को, आपने देखा कैसे उनकी कमर झुक रही है, उनको बात नहीं करा रहा। 40 डिग्री सेंसस, 40 डिग्री तापमान में, 1 डिग्री में गर्मी में वहां पर यहाँ पर है, तो ऐसा होता है यार, बहुत अफसोस हुआ यार बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ तो मजबूरियां किसी किसी की होती है, लेकिन कुछ लोग मजबूरी के नाम पर फायदा उठाते हैं। तो बहरहाल हम किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको रियाज में कहीं भी सऊदी अरब के अंदर एजिड अगर कोई बंदा मिले इस तरह का, तो उनकी हेल्प करो, उनसे उनकी परेशानी मुश्किल को जरूर समझो, क्या पता वो असलियत में मुश्किल में पड़े हो, ताकि वो आपकी हेल्प की जरूरत हो उनको। तो मैं यार यही कोशिश करूंगा, मैं हेल्प जितनी मेरी हैसियत है मैं करूंगा और की भी है, लेकिन इंशाल्लाह अगर अभी उनके पास में एसटीसी से कुछ होता तो मैं जरूर देता, लेकिन मेरे पास में कैश नहीं था। जो भी था अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ और वो बंदा जानता है, तो मैं नहीं बता रहा, अल्लाह की नजर में कबूल हो जाए तो बहुत है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इनकी हेल्प कराने की, ठीक है? आप लोग कॉन्टेक्ट करें, और ये अंकल को कोई जानते हैं या हेल्प करना चाह रहे हैं इनकी, तो यहाँ पर आन के मिल सकते हो आप, यहाँ पर आन के। इशारा अनस है, अबू बकर से जब तरीक अनस की तरफ को आएंगे, अबू बकर से यानी कि नरगिस की तरफ को जाएंगे अबू बकर से, तो इशारा जो अनस पड़ता है, अनस से नीचे से यू टर्न करेंगे, राइट लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट वाले इशारे पर ये यहाँ पर रहते हैं, ठीक है? इस वीडियो के अंदर मैंने कोई उनको गलत दिखाने की कोशिश नहीं करी, ना ही मैंने आप लोगों से उनको गलत समझा या गलत बताया उनको। वो बेचारे कुछ मेहनत कर रहे थे, कुछ बेच रहे थे पेन वगैरह, और उससे अर्न कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने जो दिखाने की कोशिश करी वो ये करी, इतनी गर्मी में यार वो इतनी एज में यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ परेशानी है। तो यही था कि आप लोग उनकी मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें जो जनरल परेशान यहाँ पर है, फंस जाते हैं या किसी मुश्किल में या दिक्कत में यहाँ पर निकल नहीं पाते, या उनके पास हिसाब नहीं होता यहाँ से टिकट कराने का। तो इसलिए बस मकसद से गया था, और अल्लाह जानता है कि मेरे दिल को इतना अफसोस हुआ कि इतनी एज में वो वहां पर बैठे थे, इस वजह से मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं उनसे मुलाकात करूं। वरना ऐसे इशारे पे, बड़े इशारे पे गाड़ी रोकना, गाड़ी को पार करना, फिर इशारे पार करना 1-2-3, तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई।
तो मैंने कोई उनको हार्ड नहीं किया, ना ही मैं वीडियो के जरिए आप लोगों को हार्ड करना चाह रहा हूँ या बुरा बताना चाह रहा हूँ किसी की इज्जत बेइज्जती का कोई सवाल है, कुछ नहीं सवाल है, कोई दिल में कोई तरद्दुद कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बस ये था कि इतनी एज में वो यहाँ पर बैठे थे, हमारी वालिद की एज के है और उनसे भी एज बड़ी है, तो हमें अफसोस बतौर एक मुसलमान होने के नाते और इंसान होने के नाते उनकी मदद के लिए मैं वहां पर गया था भाई, और कोई मकसद नहीं था मेरा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और जो लोग उमरा करने के लिए आ रहे हैं प्लीज उमरा करें, वो वापस घर चले आए, बेहतर ये बेहतरी आपके लिए यही है। अस्सलाम वालेकुम।